दोस्तों, अगर आप सेल्स के काम करते हैं, अपने साथ बहुत सारे लगेज या सामान कैरी करते हैं और आपको डे टू डे राइडिंग के लिए एक ऐसा कुछ चाहिए जो कि बिल्कुल ही जीरो मेंटेनेंस हो और बहुत ही इजी टू हैंडल हो, तो TVS XL100 मोपेड, जो कि इंडिया में बस एक इकलौता मोपेड है TVS की तरफ से, वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन, जो कि 25 लाख एनिवर्सरी एडिशन है TVS XL100 मोपेड का, उसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि TVS XL100 मोपेड की कई सारे वर्शन है, जैसे कि कंफर्ट, हैवी ड्यूटी, ऐसे कई सारे वर्शन है, तो ये जो वर्शन है ये एक्चुअली हैवी ड्यूटी है और कई सारे फीचर्स के साथ आते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, स्टिकरिंग दिया गया है 25 लाख एडिशन का, ये एक स्पेशल एडिशन बन जाता है। और क्या कुछ इसमें आपको अलग मिलेगा और थोड़ा सा ज़्यादा कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा, तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि SBT अभी सारे जो मॉडल्स हैं वहाँ पे आ गया है। TVS इसे SBT कहता है, लेकिन ये बिल्कुल ही कॉम्बी ब्रेक की तरह है, जैसे कि लगभग हर एक सब 125cc व्हीकल्स में आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दो वायर्स गया है जो कि बिल्कुल ही कॉम्बी ब्रेक की तरह काम करते हैं, और जैसे कि आप पीछे की ब्रेक दबाएंगे, फ्रंट का ब्रेक भी एंगेज होकर आपको एक बेटर और स्किड फ्री ब्रेक एक्सपीरियंस दे देगा। इससे आपका व्हीकल और भी सेफ और स्किड फ्री रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर, मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको मिल सके हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ अलग कलर्स एंड ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मल TVS मोपेड में नहीं मिलता है। ये जो कलर्स एंड ग्राफिक्स आप देख रहे हैं फ्यूल टैंक पे और नीचे पे, ये बिल्कुल ही नए हैं। ड्यूल टोन सीट्स यहाँ पे दिया गया है स्पेशल एडिशन में, और बाकी जो भी फीचर्स है जैसे कि आई टच यानी कि सेल्फ स्टार्ट, USB चार्जिंग, ऐसे सारे जो फैसिलिटीज़ है ये आपको एज स्टैंडर्ड मिलने वाला है। दोस्तों, ये बेज पैनल्स आप देख सकते हैं मोपेड की सामने की तरफ, ये भी स्पेशल एडिशन में आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। ये स्टिकर भी आपको बिल्कुल ही इसी कलर में दिया गया है, और ये जो कलर है स्पेशल एडिशन कलर, ये खास करके आपको यही मिलेगा चॉकलेट कलर के। दोस्तों, इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे मेजर चेंजेस नहीं है, बिल्कुल ही सेम है पहले की तरह। फ्रंट के में आपको मिलता है फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स के साथ साथ एक गोल हेडलैम्प, और नीचे DRLs मिलते हैं। दोस्तों, ये DRLs दिन में जल के आपके जो हेडलाइट है उसको हमेशा जलने से बचा देता है। बैटरी सेविंग एक बहुत अच्छी तरह का टेक्निक ये दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, स्विच गियर में स्टैंडर्ड क्वालिटी स्विच गियर है, लेफ्ट हैंड की तरफ चोक लीवर भी आपको मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मिरर्स जो दिया गया है, मिरर्स भी काफ़ी अच्छे फील्ड ऑफ व्यू दे देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ स्टार्ट स्विच दिया गया है, अपलिफ्टेड हैंडल बार है ताकि आप स्ट्रेट पोस्चर में बैठ के इसको चला सकते हैं। आते हैं मीटर कंसोल पर, तो मीटर कंसोल के नीचे आपको एक USB चार्जर मिल जाएंगे, जिससे आप आपके फ़ोन या फिर कोई भी और डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और अगर मीटर कंसोल को देखें दोस्तों, तो मीटर कंसोल में मुझे फ्यूल मीटर मिसिंग लगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल ही एनालॉग सेटअप में एक स्पीडोमीटर, ओडोमीटर मिल जाते हैं, और साइड इंडिकेटर्स और हाई बीम के इंडिकेशन मिल जाते हैं। दोस्तों, फ्यूल टैंक को अगर देखें तो 4 लीटर्स का यहाँ पे फ्यूल टैंक दिया गया है, 1.3 लीटर का रिजर्व है। फुल्ली मैट फिनिश में ये स्पेशल एडिशन कलर, ये स्पेशल एडिशन आता है, और नीचे आप देख सकते हैं बेज कलर की पैनल्स दिया गया है, जहाँ पे आप लगेज भी माउंट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे XL100 हैवी ड्यूटी लिखा हुआ कुछ ग्राफिक्स के साथ मिल जाएगा, और TVS जैसा कहता है आई टच स्टार्ट, ये भी आपको मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। सीट आप देख सकते हैं स्प्लिट सीट है, और पीछे का सीट आप हटा सकते हैं, हटा के ज़्यादा लगेज माउंट कर सकते हैं, और पीछे जो ग्रैब रेल है उसके साथ साथ कम्प्लीटली एक हैलोजन सेटअप बैक लैंप क्लस्टर में मिल जाएगा। यहाँ भी जो इंडिकेटर्स है वो कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है। दोस्तों, यहाँ पे जो इंजन है वो एक 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 99.7cc का हैंगिंग वाला यहाँ पे एक इंजन दिया गया है। आप देख सकते हैं पावर है 4.3 BHP एट 6000 RPM एंड टॉर्क है 6.5 Nm एट 3500 RPM। सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही अवेलेबल है, और सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स यानी कि बिल्कुल ही ऑटोमेटिक स्कूटर्स जैसे चलते हैं उसी तरह ये चलेगा। कम्प्लीटली हैंड ऑपरेटेड है, और रोलर चेन ड्राइव दिया गया है। फ्रंट की तरफ आपको मिलते हैं हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फॉर गार्ड्स दिए गए हैं, स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन है, और दोनों ही तरफ आपको 16 इंच के स्पोक व्हील्स मिलेंगे, और दोनों ही तरफ आपको 110mm का ड्रम ब्रेक मिल जाएगा SBT टेक्नोलॉजी के साथ। तो दोस्तों, दोनों ही तरफ 2.5 इंचेस का 16 इंच का ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको, आप अगर कोई भी रफ रोड्स में राइड करते हैं तो ये फ्रेम और ये टायर्स ऐसे ही बनाया गया है TVS के द्वारा, ड्यूरोग्रिप टायर्स है इंडिया में, ऐसे ही बनाया गया है कि खराब से खराब रोड पर भी ये अपना जो
एबिलिटी है ज़्यादा स्ट्रेस लेने का, ज़्यादा लोड लेने का, वो बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है। पीछे भी आपको स्विंग आर्म हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। सेमी ऑफ रोड टाइप टायर्स है ताकि किसी भी टेरेन में आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पे एक क्रोम फिनिशिंग दिया गया है एग्जॉस्ट पर। दोस्तों ये कंप्लीट जो मोपेड है ये एक ऐसी फ्रेम पर बनाया गया है ताकि कैसे भी रोड हो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा शॉक एब्जॉर्बिंग पावर विथ मोर एंड मोर लगेज एंड पैसेंजर ये राइड कर सकता है। स्पोक व्हील्स देने के वजह से शॉक लेने का जो इसका पावर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो सेल्फ स्टार्ट दिया गया है वो वन टच स्टार्ट है और TVS का ऐसा दावा है कि पहले से लगभग 30% लेसर बैटरी कंजम्पशन ये होगा इसमें, ये सेल्फ स्टार्ट में, और दिन में किसी कई बार भी आप इसे चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टार्ट आप कितने भी बार चाहे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक फुल DC सेटअप है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी आता है और जो कर्ब वेट है वो बहुत कम है, 86 kg का। दोस्तों यहाँ पे टॉप स्पीड लगभग 60 से लेकर 65 किलोमीटर तक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगेज माउंटिंग हुक और एक छोटा सा हैंड ग्रिप दिया गया है ताकि पिलियन इसे कैरी करके पकड़ के बैठ सके और सामान भी आप कैरी कर सके। दोस्तों अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक स्कूटर में जो सिंगल स्पीड गियर बॉक्स आता है उसी हिसाब से ये बनाया गया है, तो लगभग यहाँ पे 50 के आसपास आपको माइलेज मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ हमें मिसिंग लगा वो है एक फ्यूल मीटर यहाँ पे हो सकता था और फ्यूल टैंक थोड़ा सा ज़्यादा है, एटलीस्ट 5 से 6 लीटर्स का हो सकता था, ऐसा मुझे लगता है कि TVS को देना चाहिए था। दोस्तों कई सारे मॉडल्स इसके अवेलेबल है, तो ये जो स्पेशल एडिशन ये टॉप मॉडल है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता में आपको मिलेगा वो 39,518 रुपीज़ का होगा। दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा ये जो मोपेड है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको बहुत सारा सामान कैरी करना होता है, लगभग पूरे दिन सिटी के अंदर वो स्कूटर को चलाते हैं, बहुत सारा लगेज कैरी करना चाहते हैं और बहुत ब्रोकन ऐसे मतलब कि मैं उबड़ खाबड़ रोड्स पर भी वो चलाते हैं, उनके लिए बहुत ही सूटेबल ऑप्शन रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।